हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज मी खुशी। तो आज यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारी लड़कियों के क्वेरीज और क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट क्या है, जो कि है मेरे पास मेंस्ट्रुअल कप, एप्लीकेटर, टैम्पॉन और सैनिटरी नैपकिन। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको ढेर सारे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको और भी कोई डाउट लगता है इन चीजों के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं जो है बात करूंगी इस एवरथिंग के मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर। गाइस, बहुत सारी लड़कियों को अब तक नहीं पता कि ये मेंस्ट्रुअल कप चीज क्या होती है, कैसे यूज करना है, और बहुत सारी लड़कियां इस चीज रिलेटेड अवेयर नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल कप बहुत अच्छा होता है, अनमैरिड भी इस्तेमाल कर सकती है, मैरिड भी इस्तेमाल कर सकती है, इको फ्रेंडली है। आप वन टाइम इसको खरीदोगे तो ये जो कप है आपका 8 से 10 साल इजीली चल जाता है। आपको और कोई मनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो कप है वो रीयूजेबल होता है और इसका ना एक फोल्डिंग प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आपको कुछ फोल्ड करके आपको इंसर्ट करना होता है। आपको 8 से 12 घंटों का प्रोटेक्शन ये दे देता है। और बाकी इसके अलावा इसके ऊपर मैंने बहुत ही ब्रीफली मेरी चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आप देखना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप रिलेटेड तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इससे आपको कोई बैड ऑर्डर फील नहीं होगी, ना इरिटेशन फील होगा, ना इचिंग की प्रॉब्लम आएगी। आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो, लाइक जिमिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, डांसिंग, जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो सारी कर सकते हो। और इससे आपको कभी भी किसी भी तरह की बीमारी होने का खतरा नहीं होता है, ना ही कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मैं बात करूंगी इस एप्लीकेटर टैम्पॉन्स की, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये जो है वन टाइम यूजेबल है, इसको आपको रीयूज नहीं करना होता है। ये देखिए, इस तरह का कुछ होता है, आपको इसे प्रेस करके जो है बाहर निकालना होता है और ये इस तरह से जो है बाहर आ जाता है। तो आप इस तरह से इंसर्ट भी कर सकते हो और ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो है आप अगर टीनेजर हो, आप ट्राई करना चाहते हो कुछ ऐसा, तो पहले आप एप्लीकेटर टैम्पॉन ट्राई करना। अगर ये आपको परफेक्टली हो रहा है तो आप मेंस्ट्रुअल कप की तरफ जा सकती हो, लेकिन इसके पहले आपको अपना माइंडसेट पूरा प्रॉपरली करना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए इन चीजों के साथ। इसके लिए आपको 2-3 बार ट्राई करना पड़ सकता है। और ये जो चीजें हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने पीरियड डेज में ही ट्राई करना, अदरवाइज नॉर्मल डेज में कभी मत ट्राई करना। भी आपको 8 आवर्स तक का प्रोटेक्शन देगा, इससे भी आप बहुत कंफर्टेबल रह सकते हो। लेकिन ये है कि इससे आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर आप इसको लंबे समय तक यूज करके रखते हो तो। इवन नाइट में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। और गाइज, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज के बारे में बता देती हूँ। रिसेंटली ना मैंने क्लोविया से शॉपिंग करी है, जो कि है मेरे अंडरगारमेंट्स। मैंने वहां से बहुत अच्छे डिजाइनर ब्रा और पैंटी परचेज करी है, लेकिन वो डिजाइन के साथ साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। प्लस समर में जो हमको प्रॉब्लम होती है बहुत सारी, लाइक इचिंग, रैशेस, इरिटेशन, तो वैसी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी और कॉटन क्वालिटी से बनाई गई है। तो आप घर पे भी जो है बहुत फैंसी फैंसी चीजें ट्राई कर सकती हो, वो भी समर्स में, बहुत एक अच्छी स्पेशल बात है। अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहती हो तो वो मुझे कमेंट में बता दो, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ वो चीजें भी शेयर करूंगी। सेकेंड चीज की, जब मैंने इसको खरीदा था तो वहां पे बहुत सारे ऑफर और डिस्काउंट भी चल रहे थे, तो मुझे बहुत सारा डिस्काउंट भी मिला है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में बता दो, मैं आपके साथ लास्ट हम बात कर लेते हैं हम सभी का फेवरेट, जो कि है सैनिटरी नैपकिन्स। तो गाइस, तो ये जो चीज है, ये इंडिया में 90% ऑफ वुमन यही चीजों का इस्तेमाल कर रही है, बट अब जो है बहुत सारी लड़कियां अवेयर हो रही है इन चीजों से और इन चीजों को भी ट्राई कर रही है। तो सैनिटरी नैपकिन अच्छे तो होते हैं, बट इससे बहुत ज्यादा आपको जो है बैड ऑर्डर फील होती है, इचिंग, इरिटेशन, रैशेस की प्रॉब्लम आती है। प्लस इसको आपको हर मंथली खरीदना पड़ता ही है,
अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको लीकेज की टेंशन होती है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट, तो मैं बताऊंगी आपको ये मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा है। और गाइस, कुछ कुछ लोगों के कमेंट से भी आते हैं कि क्या ये प्लास्टिक होता है, तो ये प्लास्टिक नहीं है, ये सिलिकॉन के मटेरियल से बनाया गया है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है और पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको ना पसंद आए या आपको कुछ और चीजें पसंद हो, तो इट्स टोटली अप टू यू। आप अगर टीनेजर हो, ट्राई करना चाहते हो, तो फर्स्ट टाइम आप ये एक बार एप्लीकेटर टैम्पून ट्राई कर लेना, फिर आप जो है मेंस्ट्रुअल कप की तरफ जंप कर सकते, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो तो। और एक क्वेरी बहुत सारी लड़कियों की है कि क्या इससे हमारी वर्जिनिटी पे इफेक्ट पड़ता है। सो गर्ल्स, इससे आपकी वर्जिनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हर लड़की के जो बॉडी शेप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये टोटली आपके ऊपर है। और इसमें जो है साइजेस भी अवेलेबल है, आप स्मॉल के लिए जा सकते हो, मीडियम के लिए जा सकते हो, जैसा आपको आपका फ्लो या आपके साइज है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। मैंने जो है दो अलग अलग ब्रांड के कप ट्राई किए, एक गाइनो कप है और एक एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप है। रिसेंटली मैंने दोनों की वीडियो अपने चैनल पे डाली है, सारी ही जो वीडियो है इन सभी के ऊपर पर्सनली मैंने बनाई है, सबको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप डेफिनेटली उनको। अलावा मेरे पास एक और चीज है उन लड़कियों के लिए जिनकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है और जो ये तीनों चीजें प्रेफर नहीं कर पाती, जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा रैशेस और इरिटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो गर्ल्स समर के लिए आप स्पेशली इन इस तरह की पेरेट्स पेंटी ट्राई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ज्यादा, और बीच में यहाँ पे ना पैड्स लगा हुआ है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो ऊपर से जो है कॉटन के पैंट्स खरीद सकती हो इसके साथ अलग से, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई थी ये, मैंने इसको भी ट्राई किया था। समर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लस अगर आपकी बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा है तो भी आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर आप न्यूली जस्ट मॉम बनी है तो भी आप इसके लिए जरूर जा सकते हो। ये है कि आपको इसे वॉश करके पहनना पड़ेगा, ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट फिर भी ये आपका 3 से 4 साल इजिली चल जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये मेरे पास जो है वो है सोच ग्रीन की क्वालिटी, और मेरा जो साइज था वो है 85 to 90 cm, 95% ऑफ कॉटन एंड 5% ऑफ स्पैंडेक्स मटेरियल है। इसके भी वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। सो गाइस, यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा आज का रिव्यू, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जो भी आपको डाउट है आप फ्रीली मुझे अपनी बड़ी बहन छोटी बहन समझ के लिख के पूछ सकती हो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो जानना चाहती हो आप वो भी मुझे कमेंट में बताइए। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय।